टॉप रिपोर्टर में आप सबका स्वागत है। आज राजोत्सव का तीसरा दिन है और हम आज का छोटा सा झलक आप लोगों के लिए लेके आए हैं। हमने तीनों दिन कवर किया है और आज तीसरा दिन है। आज खेड़ागढ़ के संगीतकार और ये मुंबई से मोंटी शर्मा के बैंड का बैंड आ रहा है यहाँ पे प्रस्तुति देने। तो आप चलिए हम आपको ये चीज़ का, ये सभी चीज़ का झलक दिखाते हैं। जलेगा नहीं, गरम नहीं, कोई बर नहीं। जब दोपहर से दो मिनट मालिश कीजिए और मालिश करने के बाद कपड़ा को भी सूती रुमाल डबल से आधा घंटा पैक कर दीजिए ताकि इसे हवा न लगे। लगाने से आपको आधे घंटे में सर आराम तो मिलेगा, लेकिन 10 से 15 दिन आप रेगुलर लगा लेंगे इस ऑयल को। बार बार पहन की शिकायत नहीं जहाँ आप इसे यूज करें। और सर हर्बल ऑयल है, स्किन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं। लगाया, मालिश किया, पैक कर दिया। सर इसकी कीमत है सर 200 रुपये, डिस्काउंट से 100 रुपये का है और इसका बड़ा पैक सर ये 150 रुपये का है। हर एक बॉडी पैन में लगा सकते हैं। ये जैसे कमर के दर्द, घुटनों के दर्द के लिए तेल होता है और जहाँ भी दर्द है ऐसा मालिश कर लो। एक चम्मच का तेल और उसका सर एक साथ मालिश कर देंगे। देखिए मालिश करके अच्छा का धुआं देगा लेकिन आपको जलन का कुछ भी करेगा। ऐसा मालिश करने के बाद कोई भी सूती का पल एक ढक दो सर घुमा दो ताकि इसको हवा ना लगे। आधे घंटे में आपको आराम तो मिल जाएगा सब, लेकिन उसको 10 दिन लगातार लगाओ शिकायत दोबारा बनेगी। कमर, घुटना, कंधा, जोड़ में धुआं निकलता है। मतलब इसमें क्या नागर मोह था, रोगन मोह, नरका चूर होता है। ये जैसे ऑप्शन था भाप बन जाता है। कपाट इंडस्ट्री में दरमास देगा जो ब्लॉकेज खोल देगा। 10 साल पुराना भी दर्द आधे घंटे फर्क नहीं, लेकिन 15 दिन लगातार वो शिकायत दोबारा बनेगी। हमारा आयुर्वेदिक होता है कोई साइड इफेक्ट है। 205 रुपये का है, अभी 100 रुपये का आएगा। 100 रुपये नया आने दिए, नया पहले जितना मशीन था उसमें वीवीपैट मशीन नहीं था। इसके पहले जो था उसमें वीवीपैट मशीन नहीं था। हम किसी को वोट डालते थे तो हमको पता नहीं चलता था कि हमारा वोट किसको जा रहा है। भ्रांतियाँ फैली थी कि किसी भी एक्ट में चला जाता है। तो गवर्नमेंट ने इस बार बड़ा अच्छा व्यवस्था किया है कि जिसको आप वोट दे रहे हैं आप अपनी आँखों से उसको देख पाएंगे कि आपका वोट किस में गया। मशीनें रेडी हो गया आपका, ये नीला हरा बटन जल रहा है। अब आप अपने मनपसंद के उम्मीदवार का नाम इसमें लिखा रहता है, बगल में उसका चिन्ह बना होगा, तो इसमें से किसी को एक को आप दबाइए। जैसे दबाएंगे तो यहाँ पर लाल बटन जला और आपका जो चिन्ह है यहाँ पर भी दिखेगा। ठीक है, ये 7 सेकेंड तक यहाँ पर दिखता रहेगा आपको, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। अभी चला गया नहीं। ओके, मींस आपका वोट उसको चला गया। चला गया, आपको पता है कि आपने किसको दिया है। पहले ऐसा नहीं था, नहीं होता था। ये 7 सेकंड का रहता समय में। 7 सेकंड का मतलब कमजोर आदमी है जिसको देख नहीं पा रहा तो वो भी अच्छे से इसको देख पाएगा। 7 सेकंड पर्याप्त होता है उतना वो देख। तो ये अभी अभी निकला है मशीन। हाँ जी, अभी अभी। ओके, आप लोग कहाँ से आए हैं? रायपुर से आए। रायपुर के ही आप लोग? ओके, ठीक है। तो ये मैडम इसका ट्रायल एक बार हो चुका है पहले सभी बूथ में, अभी जो है पूरा छत्तीसगढ़ में इसका उपयोग किया जा रहा है ताकि वो एकदम स्पष्ट रहे, मर जाए प्रत्यक्ष रहे, मर जाए बच्चे में जिसको मतदाता डालते हैं उसका वो संतुष्ट रहे, संतुष्ट रहे कि जिसका वो शिव डाला मर जाए। ओके, ठीक है। तो ये
लिए मतदाता वाला वोट डालने के लिए मशीन बनाया गया है, जैसा कि हमें इन्होंने बताया कि ये मशीन बनाया गया है उन लोगों के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि उनका वोट किसको गया है, तो सिर्फ उन्हीं लोग के लिए, मतलब वैसे लोगों के लिए है कि आप जिसको वोट दे रहे हो उसका यहाँ पर आपका सिम्बॉल रहेगा, आप उसको क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर डिस्प्ले होगा कि आपने किसको वोट दिया है। तो ये जनता को जागरूक बनाने के लिए ये मशीन बनाया गया है, बहुत ही अच्छा मशीन है। छत्तीसगढ़ी गेटअप ये जो है हरेली का सूचक है, हमारे छत्तीसगढ़ में पहली त्यौहार मनाथन हरेली। किसान मन अपन काम बूता ले सब फ्री हो जाते, तब फिर नांगर कुदारी सब धोए बर ये छत्तीसगढ़ी त्यौहार प्रथम त्यौहार मनाते, ओकर उपलक्ष्य में ये ला बनाए जाते लैका मन बर किसान मन। अच्छा। हाँ, और एक प्रकार से ये में व्यायाम भी हो जाते लैका मन के, साल भर स्वच्छ रहते, कोई प्रकार के शरीर में कष्ट नहीं आवे। ये हमार छत्तीसगढ़ ही में अलग गेड़ी बोलथन। हाँ जी। और पैर में दर्द नहीं होते? होते कुछ कुछ, अब अभ्यास हो गया तो थोड़ा चल जाते एक दो घंटा। जी जी। तो अपन 3 दिन रहे हवे थी यहाँ, 3 दिन हो गए हमला। हाँ जी। ये बार के हलचल के बारे में कहा बोलू, कतका मनाए हैं देखे बार का है? अब आचार संहिता लग गए है तेकर सेती थोकन कमजोर हो गए है, और संडे होती तब एकाध कनिक भराती सब। अभी अपन अपन काम में सब लगे है, बेचारा गरीबन है ऐसे। मोर नाम है लच्छी राम सिन्हा, मैं हाँ मोआ रायपुर के रहिया, संस्कृति विभाग से हमन आए हन। जी जी, शुक्रिया, थैंक। आपका कौन सा गेटअप है? मोर गेटअप है रे, हाँ एला हमन ला जोकर बोलते। जोकर का है पहली शुरू जो लाइट माइक कुछ भी नहीं रही ना, हमार पूर्वज मन हाँ एला खड़ी साज बोले, कमर में तबला बांधे चिकारा बांधे और मसाल धरे, मसाल धर के नाचे मन है, रात भर नाचे और नाच के एकांगी ड्रामा करें। अने ड्रामा का मतलब नकल बोला, नकल कथे बोला, तो हमें कहा है कि हाँ घर में हमार चार भाई हैं, तो चार भाई फुट कवर होते है ना, महिला मन में माई मन का है, भले कि मैंने दूसर घर से आ रहे थे लेकिन ये घर में आए के बाद ये घर ला अपन समझना चाहिए, तो वो मेरे नारी मन में कुछ कुट कुट के भर रहे कि तोर और मोर, तो एक सब नकल दिखा था ना। इसने से बहुत सारी नकल है जेकर बारे में, अने घर संबंधी के बारे में है कि खेत खार के बारे में, अने नेता के बारे में है, हर प्रकार के बारे में, जैसे जवान लड़का मन है कि डाकू मन है, डाकू कावर बंद थे है ना, पढ़िया लिखन बिगड़ते कावर, दारू शराब पीछे कावर, एक सब बारे में हम एक नकल दिखा था। हाँ वो लगा था हमारे छत्तीसगढ़ी में नाचा, तो मैं हर नाचा के प्रति मोर संस्कृति विभाग से मोला ये चुन के मोला रखे गए हैं, और मैं तो इसे बचपन से मैं 15 साल से यानी 12-13 साल रहूँ तब से मैं हाँ ये काम में उतरे हूँ। मैं पहले डांसर रही हूँ, अच्छा यानी अपनपुर ब्लॉक में है, एकल डांसर हूँ मैं, और मोर हसदन आज पार्टी मोर पिताजी जोकड़ी से अच्छा, और बात में रायखेड़ा पार्टी यानी छत्तीसगढ़ के सबसे प्रथम पार्टी है रायखेड़ा पार्टी, यानी थिएटर कहे जाए बोला, और बाद में हम हाँ आकाशवाणी दूरदर्शन हो भगत साहू स्थान में, तो और बाद फिर हमारा स्थान है हमारा मिर्जा मंसूर मिली हमारा आकाशवाणी से, तो हमारा संस्कृति विभाग में घुसा दिए, तब से हम जोकड़ में बन के हम एक धरोहर के रूप में हम दोनों अपन विजित करसन, हम पब्लिक मन खुश करतन, और हम सम्मानित कलाकार हन और अंतर्राष्ट्रीय भी कलाकार हन, दूरदर्शन आकाशवाणी कलाकार हन। सब जो भी राज्योत्सव अभी तक हुआ है अब तक, हाँ राज्योत्सव हो गए कि दिल्ली हो गए, दिल्ली में राज्योत्सव तो हमारा शासकीय कलाकार हो गए वो करके ना हमें चालू करे हन, शुरू करे हन, हमारे बन के शुरू करे संस्कृति विभाग से हमारे शासकीय कलाकार से राज्योत्सव शुरू करे, आज 18 साल हो गए, और बाद हम दिल्ली भी जाते हैं, दिल्ली कम से कम अने 12-13 साल हो गए, राज्य में 12-13-14 साल हो गए, तो ऐसे हम संस्कृति विभाग से 3-4 जगह चयन करते हैं, जहाँ जहाँ की भेजना है, जैसे उज्जैन गए रहे, बॉम्बे भी गए रहे, कलकत्ता भी गए रहे, ऐसे बहुत से जगह जाए के हमें मौका मिलते, हर एक प्रांत में जाए के मौका मिलते, ये सब आशीर्वाद है सब जनता बन के, हम चाहते हैं, हम चाहत के कारण का हम अभी हम छोड़े नहीं कलाकारी लबन, आप देखो तो मत छोड़िएगा जब तक कर सकते हैं तब तक। सर इस बार के राज्योत्सव के बारे में हमें बताइए। इस बार चूँकि निर्वाचन की आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए राज्योत्सव का आयोजन 3 दिवस के लिए रखा गया था, और इसका रंगारंग शुभारंभ छत्तीसगढ़ की राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा 1 तारीख को किया गया, और उस दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिसमें नीति मोहन जो मुंबई की गायिका है उनका कार्यक्रम हुआ था,
इस बार राज्योत्सव में हमने स्थानीय कलाकारों के साथ साथ जो स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी अवसर दिया। श्रीराम संगीत महाविद्यालय, कमला देवी संगीत महाविद्यालय, कोपलवाणी जो दिव्यांग बच्चों की संस्था है उसके बच्चों का, इसके अलावा थर्ड जेंडर के जो समाज के लोग हैं उनको भी हमने इसमें अवसर दिया। साथ साथ खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय जो है वहाँ के बच्चों का आज परफॉर्मेंस चल रहा है। और आज कार्यक्रम के समापन में न्यायमूर्ति टीपी शर्मा जो प्रमुख लोकायुक्त हैं छत्तीसगढ़ के, वो आज कार्यक्रम के समापन में आ रहे हैं। और कार्यक्रम के समापन के साथ साथ आतिशबाजी का भी कार्यक्रम रखा गया है। और लास्ट में मोंटी शर्मा जो मुंबई के ऑर्केस्ट्रा के हैं उनका कार्यक्रम है। तो इस प्रकार का 3 दिवसीय कार्यक्रम सांस्कृतिक था। इसके साथ साथ हस्तशिल्प प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसका बड़ी दूर दूर से लोग, बड़ी संख्या में लोग आकर यहाँ पर आनंद दे रहे हैं। सर, हर साल 5 दिन का रहता था, इस साल सिर्फ 3 दिन का है ऐसा? देखिए, जैसे मैंने कहा, निर्वाचन आयोग की आचार संहिता लगी हुई है और उन निर्वाचन आयोग की अनुमति और अनुमोदन के उपरांत ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। सर, सुनने में आया था शान जी आ रहे हैं बट वो फिर नहीं आए, उसका भी क्या कारण है? नहीं, शान आ रहे हैं और शान का कार्यक्रम आज शाम में है। मोंटी शर्मा जी के ऑर्केस्ट्रा का वो पार्ट है और उनका आज कार्यक्रम है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये थी राज्योत्सव के तीसरे दिन की झलक जो हमने आप लोगों को दिखाई। और आज यहाँ पे संगीतकारों ने काफ़ी अच्छी प्रस्तुति दी और साथ ही हमने यहाँ पे एक अच्छा नया चीज़ देखा, एक नया मतदान वोटिंग मशीन है जिसमें आप वोट डालेंगे तो अब आपको पता होगा कि आपने किसको वोट डाला है। पहले ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती थी पर अब ये चीज़ क्लियर रहेगी, नया मशीन आ गया है। और हम ऐसे वीडियोस आपके लिए और भी लेके आते रहेंगे। अगर आप किसी कारणवश राज्योत्सव नहीं देख पाए, नहीं आ पाए, तो आप टॉप रिपोर्टर पे जाइए, यूट्यूब में जाइए, टॉप रिपोर्टर क्लिक के टाइप कीजिए, वहाँ पे आपको राज्योत्सव के तीनों दिन की वीडियोस मिल जाएंगी। आप घर बैठे राज्योत्सव का आनंद उठा सकते हैं। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप टॉप रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार, थैंक यू।